ओके दिस इज फिंगर, इसमें हमने नेल ड्रॉ किया है जिसमें आपको यहाँ पे आउटर पार्ट दिखाई दे रहा है और ये इंटरनल पार्ट, इसको मैं इंडिकेट करूंगी, बताऊंगी किस पार्ट को किस नाम से हम जानते हैं या बुलाते हैं, बिकॉज आपको जब भी नेल्स पे वर्क करना है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपको कहाँ पे वर्क करना चाहिए और कहाँ पे नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास क्लाइंट आकर ये बोलता है कि मैंने नेल्स करवाया, एक्सटेंशन करवाया और मेरे नेल्स में पेन हो रहा है, इट मीन्स कि आपने वर्क नेल्स पे करने के बजाय स्किन पे भी किया है, इसीलिए आपको प्रॉब्लम फेस करना हो रहा है या क्लाइंट को प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये जानना आपके लिए बेसिक है बट जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले दिस इज क्यूटिकल, क्यूटिकल क्या है, व्हाट इज द क्यूटिकल, जो आपके नेल्स को ओवरलेप करता है वो स्किन, उसे हम लोग क्यूटिकल बोलते हैं। आपके नेल्स को जो स्किन ओवरलेप करता है उसे हम क्यूटिकल बोलते हैं। क्यूटिकल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेल्स, इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी मेनिक्योर होता है सलोन के अंदर क्यूटिकल, जो डेड क्यूटिकल होते हैं वो निकाला जाता है, उसको क्लीन किया जाता है। जिसके क्यूटिकल्स हेल्दी होते हैं उसके नेल्स भी हेल्दी होते हैं। ये आपके नेल्स का और आपकी पर्सनालिटी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपके क्यूटिकल बहुत ही हेल्दी होने चाहिए। क्यूटिकल हेल्दी होने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके नेल्स की ग्रोथ अच्छी होगी, ठीक है। इसको केयर करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स बने हुए हैं, जैसे क्यूटिकल ऑयल और क्रीम्स आते हैं, क्यूटिकल क्रीम्स जिससे आप मसाज कर सकते हैं, डेड क्यूटिकल्स निकाल सकते हैं। बट जब भी आप क्यूटिकल रिमूव करते हैं बहुत टेक केयर करना होता है, कहीं स्किन ना निकल जाए, जो आपकी लाइव स्किन है वो नहीं निकले, डेड स्किन ही आपको सब निकालना होता है। तो आपको वो सारी चीज़ें ध्यान देनी है। आप लोग बिना मेनीक्योर के भी ड्राई मेनीक्योर करते वक्त भी क्यूटिकल क्लीन कर सकते हैं, ऑलराइट। इसके बाद सेकेंड पार्ट है लुनुला। अब देखिए सबके नेल्स में एक हाफ मून वाइट राउंड होता है, देखा सबने, किसी को भी मेल फीमेल सबको होता है, उसी को हम लोग लुनुला बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड नेल प्लेट, नेल प्लेट दैट इज हार्ड नेल, हार्ड नेल दिस इज एक्चुअली स्किन जो हार्ड फॉर्म में कन्वर्टेड है और इसको हम लोग नेल प्लेट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड नेल प्लेट, जो ऊपर का नेल है वो नेल प्लेट। ये जो लाइन है जहां से आपके नेल्स फ्री होते हैं दिस इज कॉल्ड स्माइल लाइन, स्माइल लाइन बिकॉज इसकी जो शेप है वो स्माइल शेप में है। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा जब आप नेल्स करेंगे तो, काफी टेक्निक्स में ये स्माइल लाइन आपको हेल्प करेगा, ऑलराइट। फ्री एज, जो नेल्स आपकी स्किन से फ्री है उसको हम लोग फ्री एज बोलते हैं, फ्री एज, जो नेल्स आपकी स्किन से फ्री है उसको हम लोग फ्री एज बोलते हैं। नेल बेड, नेल प्लेट ऑलवेज नेल बेड के ऊपर होता है, मतलब सम टाइम ऐसा होता है एक्सीडेंटल केस में हमारा नेल अंदर से डैमेज होता है, इसका मतलब जो उसको हार्म हुआ है नेल्स को वो इंटरनली हुआ है, नेल बेड पे हुआ है। समटाइम ब्लड जम जाता है अंदर, ऊपर के नेल्स को कुछ भी नहीं होता और अंदर ब्लड जम जाता है, देखा आप सबने, इसका मतलब जो भी प्रॉब्लम है वो कहाँ पे हुआ है, नेल बेड पे हुआ है, नेल प्लेट पे नहीं हुआ है, ऑलराइट। दिस पार्ट दिस इज कॉल्ड नेल बेड। बोथ साइड ऑफ नेल्स, हमारे नेल्स में फोर साइड्स हैं, फर्स्ट क्यूटिकल, सेकेंड फ्री एज जो सबसे आगे की तरफ है, बोथ साइड दिस इज कॉल्ड नेल वॉल, नेल वॉल बोथ साइड। सबको समझ में आ रहा है, वन दिस इज फ्री एज, सेकेंड दिस इज कॉल्ड क्यूटिकल, थर्ड फोर्थ दिस इज कॉल्ड नेल वॉल। अच्छा मैंने ये मेरे हाथ में एक नाखून निकला हुआ है, मैंने जानबूझ के इसको नहीं बनाया, बिकॉज जस्ट आई वॉन्टेड टू शो यू कि आफ्टर एक्सटेंशन इफ यू आर डूइंग लॉन्ग टाइम
3, 4, 5, 10 years, तो आपके नेल्स कितने हेल्दी होते हैं या नहीं होते हैं? आई कैन शो यू. ओके, दिस इज द रूट ऑफ नेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेल्स. दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स. मैट्रिक्स बस ये क्या है, नेल्स का रूट है. नेल्स की रूट को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स. जो आपके क्यूटिकल के ऊपर का पार्ट है, ये पोर्शन, इस पोर्शन को हम बोलते हैं मैट्रिक्स. इसीलिए क्या होता है कि जब भी किस्म का ऐसा होता है, आपके पास क्लाइंट आया और क्लाइंट बोलता है कि मेरी नेल्स की ग्रोथ नहीं हो रही, आप लोग उसको फ्री वाली सजेशन देते हो, एक काम करना, केस्टर ऑयल लगाना, बढ़ने लगेगा.